अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह पापों से बचाता है नव जीवन देता है पापों से बचाता है नव जीवन देता है अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने लाचार हैं, लेकिन आज सिर्फ एक बात महत्व रखती है और वो ये कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जी हाँ श्रोताओं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसी के अनुपम अतुल्य और सामर्थी प्रेम में अमेजिंग ग्रेस के सौजन्य से प्रस्तुत अनुग्रह कार्यक्रम में रूबी आपका स्वागत करती है। नमस्कार श्रोताओं, हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम बाइबल वॉइस ब्रॉडकास्टिंग और अमेजिंग ग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको निश्चय आशीष मिलेगी। यदि आप बीमार हैं, तो इस कार्यक्रम से चंगाई की आशा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपने पापों की दलदल में फंसे हुए हैं, तो पापों की संपूर्ण क्षमा और उद्धार की आशा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। यदि आप अकेलेपन और शोक से घिरे हुए हैं, तो स्मरण रहे हमारे कृपालु प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ तथा अब से मैं तुम्हें अपना मित्र कहूँगा। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका दूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख
से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और होर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अति प्रिय श्रोता, हो सकता है कि आज की शाम आप कह रहे हैं कि अब तो मैं परमेश्वर को पुकारते पुकारते थक गया हूँ और लगता है कि मैं अकेला हो गया हूँ। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, हाजिरा भी उस जंगल में अकेली थी जब परमेश्वर ने उसके बेटे के लिए पानी का सोता दिखाया और उसे बचा लिया। एलिया भी झाऊ के पेड़ के नीचे अकेला था और मृत्यु मांग रहा था, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए सेवा का द्वार अन्य प्रकार से खोल दिया और उसे प्रयोग किया। मूसा भी होरे पर्वत पर अकेला था जब परमेश्वर ने उसे जलती झाड़ी में दर्शन दिया, और गिदोन भी डर के मारे अकेला था और छिपकर गेहूं झाड़ रहा था जब परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा था, हे शूरवीर सूरमा, और परमेश्वर की बुलाहट के विषय उसे बताया था। तो मेरे प्रिय मित्र, मैं भी आज आपसे इस अनुग्रह कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण अनुग्रह टीम के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि आज यदि आप अकेले हैं, छोड़ दिए गए हैं, घायल हैं, दर दर भटकते हैं, लाचार हैं, तो आइए श्रोताओं, अब आशीष के लिए, छुटकारे के लिए, उद्धार के आनंद और अभिषेक के लिए अपने आप को तैयार करें। महान परमेश्वर से महान बातों की आशा करें। संपत्ति आज है, शायद कल नहीं रहेगी। सुंदरता और स्वास्थ्य शायद आज है, लेकिन कल जाते रहेंगे। मित्र आज हैं, लेकिन कल शायद वही चेहरे बदल जाएंगे। मित्रों, दुनिया में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। बड़े बड़े लोगों की लोकप्रियता समाप्त हो जाती है, लेकिन एक ही ऐसा मित्र है जो सदा बना रहता है। शायद आप दुनिया की भीड़ में भी बिल्कुल अकेले हैं, कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं, लेकिन कोई है जो आपके साथ न केवल खड़ा होता है, वरन आपका हाथ पकड़कर आपके अकेलेपन में आपका प्रत्येक परिस्थिति में साथ देता है। तो श्रोताओं, आज जब परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आज ही पत्र अवश्य लिखें। हम आपको ये बता दें कि आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं अमेजिंग ग्रेस के सौजन्य से। हमारा पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम अनुग्रह, पोस्ट बॉक्स संख्या 9014, दिल्ली 110032। कार्यक्रम के अंत में आप एक बार फिर से पता सुन सकेंगे। श्रोताओं, आज की कुछ गवाहियां जिनसे आपको पत्र लिखने व प्रभु के निकट विश्वास में आने में मदद मिलेगी। पहला पत्र हमें लिखा है बहन सरोजनी तिर्की ने, जशपुर छत्तीसगढ़ से। बहन लिखती हैं, प्रभु में प्रिय भाई अजीत होरो, यीशु सहाय। भाई, हम सब नए विश्वासी हैं, प्रभु ने हमें चुना है। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। एक दिन मेरा छोटा देवर खून की उल्टी से परेशान था। उसे टीबी हो गई थी, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, सब डॉक्टर परेशान थे। हमने फोन द्वारा आपके पास प्रार्थना निवेदन भेजा, आपने प्रार्थना की और उसी समय मेरे देवर को खून की उल्टी होना बंद हो गई। इस महान आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु को लाखों लाख बार धन्यवाद।
दूसरा पत्र बहन श्वेता रिंकी जॉन सहरसा बिहार से लिखती हैं, प्रभु में प्रिय भाई अजीत होरो, जय मसीह की। भाई आपके द्वारा प्रसारित रेडियो संदेश अनुग्रह कार्यक्रम सुनने से मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाती हूँ और मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगती हूँ। मैं हर अनुग्रह प्रोग्राम में रेडियो पर पानी रखती हूँ और प्रार्थना के बाद उस पानी को जहाँ तकलीफ होती है वहाँ लगाते हैं और पूरे परिवार उस आशीष पानी को पीता है और आशीष चंगाई तथा आश्चर्य कर्म का अनुभव होता है। मैं इस आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु को लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। श्रोताओं, सभी आशीषों व चंगाइयों के लिए हम सारी महिमा अपने जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर को देते हैं। श्रोताओं, अपने आप को आज उसकी अद्भुत आशीष को प्राप्त करने के लिए तैयार करें। आप अपने जाने अनजाने में किए गए पापों से क्षमा मांग लें, जिनके द्वारा आपकी प्रार्थनाएं आज तक रुकी हुई हैं। विश्वास करें, आज की शाम आपकी आंसू बहाने की आखिरी शाम बन जाएगी। तो आइए परमेश्वर के इस चुने हुए सेवक के द्वारा सुनते हैं आज का छुटकारा देने वाला परमेश्वर का सामर्थी वचन। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी श्रोताओं को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए एक बार फिर से आज की शाम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसकी उपस्थिति में हम इस समय बैठे हैं। आइए मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय उसका धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें मृत्यु के वश में हो जाने नहीं दिया, लेकिन एक बार फिर से उसने हमें जीवन इसलिए दिया है कि आज उसके वचन को हम सुने। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, वरन वो चाहता है कि हर व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। मेरे अति प्रिय श्रोता, संभवतः आज की शाम यदि मेरे और आपके अंदर जीवन है, आज की शाम यदि मैं और आप उसके वचन को सुन रहे हैं, तो संभवतः इसका कारण सिर्फ ये नहीं कि वो हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन संभवतः इसका कारण ये भी है कि एक बार फिर से हम फिरें और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो कभी नहीं बदलता। रिश्तेदार बदल जाते हैं, संपत्ति बदल जाती है, स्वास्थ्य आज अच्छा है कल को वो जा सकता है, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने इस बात को कहा है, चाहे सब कोई तुम्हें छोड़ दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या आज की शाम आप इस प्रकार से कहते हैं कि आप लोगों के द्वारा त्याग दिए गए हैं? क्या आज की शाम आप इस प्रकार से कहते हैं अब कोई आपका नाम लेने वाला नहीं? क्या आज की शाम आप इस प्रकार से कहते हैं मैं चारों ओर समस्याओं से इस प्रकार से घिर गया हूँ, समस्याओं के बादलों ने इस प्रकार से मुझको घेर लिया है भाई कि मुझे आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, एक परिवार होकर के आज मैं अंधकार में टटोल रहा हूँ। हाँ, एक समय था जबकि मेरी सेवा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की आग निकला करती थी, एक समय था जबकि मेरे वचन को सुनते ही आश्चर्य कर्म होने लगते थे, एक समय था जबकि मेरी प्रार्थना के अंदर बादलों की सी गर्जना थी, लेकिन आज मैं मानो मैं कहीं खो गया हूँ। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसलिए आइए आज की शाम एक महान परमेश्वर से उसके महान अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए अनुग्रह कार्यक्रम सुने। आपको परमेश्वर इस समय बहुतायत के साथ आशीष देगा। आइए मेरे अति प्रिय श्रोता, एक बार फिर से उसकी प्रशंसा करें जिसके निकट भजनकार दाऊद के अनुसार आनंद की भरपूरी है, जो निरंतर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आपके द्वारा निरंतर मिलने वाले पत्रों तथा गवाहियों के कारण हमारा निरंतर उत्साह बना रहता है। यह सच है कि हम भी मनुष्य हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, यह सच है कि पीड़ा, परीक्षाओं और समस्याओं का सामना हम भी करते हैं और बहुत बार ऐसा लगता है कि अब सेवा नहीं होगी, शरीर थक रहा है, साधन कम है, निंदा और आलोचनाएं सामने हैं, लेकिन विश्वास करें मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपसे आपका भाई होने के नाते व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर रहा हूँ। ऐसी परिस्थितियों में केवल एक ही बात है जो विशेषकर मुझे संभालती है और वो है आपकी प्रार्थनाओं और पत्रों द्वारा मिलने वाली गवाहियां। अति प्रिय श्रोता, पूरे उत्साह के साथ अनुग्रह कार्यक्रम सुने क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। अय्यूब 5:18 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और अपने हाथों से वही हमें चंगा भी करता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या ही धन्य बात यहाँ इस पद में कही गई है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। आह मेरे प्रिय भाई, ओ मेरी प्यारी बहन, मनुष्य मारता तो है लेकिन अपने हाथों से चंगा नहीं करता, वो तो हाथ बढ़ाता है और घावों को और भी बिगाड़ देता है, लेकिन विश्वास करें इस समय आप उसका वचन नहीं सुन रहे हैं जो सिर्फ मारता है लेकिन चंगा नहीं करता। हाँ, परमेश्वर के हाथ यदि चोट देते हैं तो वही हाथ हमें चंगाई भी देते हैं। आइए धन्यवाद करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, संभवतः आज की शाम
अपने ही लोगों से चोट खाकर आप बैठे हैं और शायद आपको ऐसा लगता है आपके मन में हुए घाव की अब कोई औषधि नहीं। शायद आपको ऐसा लगता है मेरा जीवन अब बिना किसी आशा के ऐसा लगता है कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस समय आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मनुष्य के हाथ चोट पहुंचाते लेकिन चंगाई नहीं देते, लेकिन परमेश्वर के हाथों में ये शक्ति है कि यदि वो मारता है तो वो चंगाई भी देता है। मनुष्य और परमेश्वर के हाथों में यही अंतर है। मेरे अति प्रिय श्रोता, विश्वास करें, परिस्थितियां जब मुझे चोट पहुंचाती हैं तो आपके पत्रों के रूप में परमेश्वर का हाथ मुझे चंगा भी करता है। इसलिए आइए अपना हाथ पत्र लिखने से कभी ना रोकें। इसके द्वारा आप परमेश्वर का चंगाई भरा हाथ हमारे ऊपर लाते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, कुलुसियों 3:1 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं एक बात सोच रहा था, क्या वजह थी कि संत पौलुस ने इस प्रकार से लिखा। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं एक बात पर विचार कर रहा था, क्या वजह है कि इस प्रकार से संत पौलुस ने कुलुसियों की मंडली को लिखा। मुझे ऐसा लगता है संभवतः एक बात उस कलीसिया में हो रही थी। यहाँ पर लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। संभवतः मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल की इतिहास की ओर यदि हम जाएं तो एक बात का हमको पता चलता है, कुलुसियों की मंडली के अंदर आत्मा के काम होते थे, कुलुसियों की मंडली के अंदर सामर्थ्य के काम होते थे, कुलुसियों की मंडली की सेवा के द्वारा आत्माएं बचाई जा रही थीं। हाँ, बहुत अधिक संख्या में लोग अपने जीवनों को यीशु मसीह को दे रहे थे। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, ठीक इसी समय में संभवतः एक काम और हो रहा था कि उनकी आंखें पृथ्वी की वस्तुओं की ओर भी लगी हुई थीं, और यही कारण है कि संत पौलुस ने कुलुसियों की पत्री को इस प्रकार से लिखा, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक प्रश्न आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मसीह के साथ हम जिलाए गए ये सच है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है, आज हमारी आंखें किन वस्तुओं की खोज में हैं? आज किन वस्तुओं को हम खोज रहे हैं? क्या आज हमारी आंखें किसी की बुराई को ढूंढती हैं? क्या आज हमारा जीवन धन संपत्ति और अनर्थ के द्वारा कमाए गए धन की ओर लगा हुआ है? मेरे अति प्रिय श्रोता, अब मैं आपको इस पद की भूमिका की ओर ले जाना चाहता हूँ। इस समय ध्यान से सुने मेरे अति प्रिय मित्र, कुलुसे नामक स्थान पर स्थापित एक मसीही कलीसिया को संत पौलुस ने ये पत्र लिखा था। इस प्रकार से कहते हैं, इस स्थान पर कलीसिया बहुत अच्छी थी, वहाँ पर सामर्थ के काम होते थे, भविष्यवाणियां होती थी, ये कलीसिया लगातार आत्मिक बातों में उन्नति कर रही थी। इतिहास बताता है कि इस कलीसिया में पौलुस कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं गया। कुलुसियों 2:2 में स्वयं उसने इस बात को स्वीकार किया है कि कुलुसियों और लौदिकिया की कलीसिया ने कभी भी पौलुस को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि हम कुलुसियों की पत्री को पूरा पढ़ें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पौलुस के अंदर इन कलीसियाओं के प्रति कैसा भारी बोझ था और वो उनकी किस प्रकार से रात दिन चिंता किया करता था। मेरे अति प्रिय श्रोता, कुलुसियों 1:24 में संत पौलुस ने इस कलीसिया को लिखते हुए कहा, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय सैकड़ों की संख्या में वायुमंडलीय कलीसियाएं अनुग्रह कार्यक्रम को सुन रही हैं। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, आप में से बहुत सी कलीसियाएं ऐसी हैं जिनके पास मैं या अमेजिंग ग्रेस के सहयोगी व्यक्तिगत रूप से नहीं गए, लेकिन इसका अर्थ मेरे अति प्रिय श्रोता ये कदापि नहीं है कि हम आपके लिए चिंता नहीं करते। शायद व्यक्तिगत रूप से हम नहीं मिले, लेकिन इस समय मैं आपको इस कार्यक्रम के द्वारा आश्वासन देता हूँ, आपके लिए हम लगातार प्रार्थना करके, परिश्रम करके, भूख प्यास और आराम का ध्यान नहीं रखकर आपके लिए आंसू बहाते और प्रार्थना करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम आपको स्मरण नहीं करते। हमारी चिल्लाहट है, परमेश्वर इन वायुमंडलीय कलीसियाओं को सामर्थ्य के साथ खड़ा कर, इनमें भविष्यवक्ताओं को, इनमें चंगा करने वालों को, इनमें दुष्टात्माओं को निकालने वालों को पैदा कर, इनके द्वारा अपनी महान जागृति और अपनी पवित्र आत्मा की प्रचंड बाढ़ को ऐसा प्रकट कर कि यह भूमि आपके ज्ञान और आपकी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। आमीन। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर इस प्रार्थना को अवश्य पूरा करेगा। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो जाएं, अपनी इन्हीं आंखों से मैं उस महान जागृति को देखूंगा। मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, मेरा पिता ऐसा सामर्थी है कि वो हमारी विनती और समझ से कहीं बढ़कर कार्य कर सकता है। इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, उत्साह से लगे रहिए, आत्मिक उन्माद से भरकर प्रभु की सेवा कीजिए, किसी भी घटी की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फिलिपियों 4:20 में बाइबल कहती है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा समेत यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। और आपको परमेश्वर मेरे अति प्रिय श्रोता बहुतायत के साथ आशीष देगा। हाँ, तो मेरे प्रिय श्रोता, मैं कुलुसियों की मंडली के विषय बातचीत कर रहा था। सारी बातें वहाँ बहुत अच्छी थीं, लोग बचाए जा रहे थे, लेकिन वहाँ की 2 मुख्य समस्याएं थीं जिनके प्रति पौलुस अत्यंत सतर्क था।
दूसरा कुलुसियों 2:8 में हमें इसका उल्लेख मिलता है। बाइबल कहती है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं। मेरे अति प्रिय श्रोता, कितना आवश्यक है मुझको और आपको आज ये जानना कि हम अपने आत्मिक जीवन में किसी भ्रम की स्थिति में तो नहीं है। कई प्रकार के अलग अलग मत आपको बाइबल के संबंध में ही मिल जाएंगे। कोई कुछ प्रचार करता है तो कोई कुछ और कहता है, अलग अलग व्याख्याएं हैं। लेकिन मेरे अति प्रियो, इस समय एक बात ध्यान से सुने, वही करें जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। यदि मैं भी वचन से बाहर कुछ और प्रचार करूं तो आपको इसे अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। आपने देखा है मेरे अति प्रिय श्रोता, आपने अनुग्रह कार्यक्रम सुना है, आपने अनुग्रह कार्यक्रम में आने वाली गवाहियों को सुना है। मेरे अति प्रिय श्रोता, अनुग्रह महोत्सवों के अंदर आपने परमेश्वर की सामर्थ को काम करते हुए देखा है। इस समय ध्यान से सुने, आपने देखा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर चंगाई भेजता है। आपने देखा है कि वचन के द्वारा दुष्टात्माएं भाग जाती हैं। आपने देखा है अनुग्रह कार्यक्रम के द्वारा सैकड़ों की संख्या में चंगाइयां होती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें। परमेश्वर का वचन कहता है भविष्यवाणियों को तुच्छ न जाने। परमेश्वर का वचन कहता है अन्य भाषाएं हैं लेकिन बिना अनुवाद के उनसे कलीसिया को कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अन्य भाषाओं का इनकार करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, अन्य भाषाएं बोलने से व्यक्तिगत रूप से भी आत्मिक रूप से उन्नति होती है, ऐसा बाइबल बताती है। मेरे अति प्रिय श्रोता, वचन पश्चाताप और मन फिराव के बपतिस्मे के विषय बड़ी स्पष्टता से कहता है। अतः इस समय इस अनुग्रह कार्यक्रम के द्वारा मैं आपको चिताना चाहता हूँ, सावधान रहें कि हम मनुष्यों की परंपरागत शिक्षाओं के अनुसार किसी भ्रम में न पड़ जाएं। मेरे अति प्रिय श्रोता, व्यवस्था विवरण 4:9 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, अब तुम सचेत रहो कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन बातों को भूल जाओ जिन्हें तुमने अपनी आंखों से देखा है तथा वे जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें। मेरे अति प्रिय श्रोता, व्यवस्था विवरण की तक के इस पद को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं कुछ बातों को स्मरण करने लगा। इस समय ध्यान से सुने मेरे अति प्रिय श्रोता, ये पद इसराइलियों को संबोधित करके लिखा गया है और इस पद को संबोधित करते समय एक बात का बोझ, हाँ, परमेश्वर के दास के अंदर था। मूसा के अंदर एक बात का बोझ था और मूसा के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा से बातचीत कर रहा था और तब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा, सो इन बातों को स्मरण रखना, ऐसा ना हो कि जिन बातों को तुमने देखा है उन बातों को भूल जाओ। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं इसराइलियों की बात कर रहा हूँ। इसराइलियों ने लाल समुद्र को दो भागों में बढ़ते हुए देखा था। इसराइलियों ने आसमान से मन्ना गिरते हुए देखा था। इसराइलियों ने देखा था कि किस प्रकार से चट्टान से पानी निकलता है। इसराइलियों ने परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा था। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि हम बाइबल का अध्ययन करें तो एक बात का हमें पता चलता है, इसके बाद भी उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए भ्रम और भटकाव की स्थिति पैदा हो गई। मेरे अति प्रिय श्रोता, और इन्हीं बातों से सचेत करने के लिए मूसा को इस प्रकार से लिखना पड़ा, सो तुम सचेत रहो कि जिन बातों को तुमने आंखों से देखा है उसे भूल ना जाओ। अनुग्रह कार्यक्रम के श्रोताओं, इस समय मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूँ, इस समय सचेत हो जाएं। जिन बातों को आपने अपनी आंखों से देखा है, जिन चंगाइयों को आपने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, जिस परमेश्वर की सामर्थ को रेडियो कार्यक्रम के द्वारा आप महसूस करते हैं, इस समय मैं आपको चिताना चाहता हूँ, इन बातों को भूल ना जाएं, वरन इन बातों की लगातार चर्चा करें। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, परमेश्वर के वचन के अध्ययन के अनुसार अपने जीवन को जिए और आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, संत पौलुस के अंदर एक बात का बहुत बड़ा बोझ था कि हाँ, कुलुसियों की मंडली के लोग सांसारिक बातों पर नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाखों जीवन ऐसे हैं जो यीशु मसीह को तो जानते हैं, लाखों जीवन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन तो करते हैं, ऐसे हजारों परिवार हैं मेरे अति प्रिय श्रोता जो कि हाँ परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना के लिए आते हैं। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत बार अफसोस होता है जब इन जीवनों को हम डूबते हुए देखते हैं, ये जीवन जबकि नाश हो जाते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय बड़े ध्यान के साथ सुने, आपको परमेश्वर आज की ही शाम बहुतायत के साथ आशीष देना चाहता है। थोड़ी देर के लिए अपने अपने जीवनों को जांचें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से देखें कि आपने आज तक किन वस्तुओं को लगातार ढूंढा है। बाइबल बड़ी स्पष्टता के साथ कहती है, स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाओ। मेरे अति प्रिय श्रोता, हजारों नौजवान सांसारिक सुंदरता की ओर ध्यान लगाने के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। हमारी हजारों बहनें ऐसी हैं जिन्होंने शायद अपनी आंखों को सांसारिक सुंदरता और धन की अभिलाषा की ओर लगाया और जिसके कारण उनका जीवन नाश हो गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, अल्कोहल के प्याले की ओर लगातार ध्यान लगाने वाले सैकड़ों जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देखा है। इस समय परमेश्वर का वचन कहता है, आज तक शायद तुमने लोगों की बुराइयों में ध्यान लगाया, आज तक तुमने शायद अनर्थ के साथ कमाने वाले धन में ध्यान लगाया, आज तक शायद तुमने सांसारिक बातों की ओर, दूसरों की उपलब्धियों की ओर, दूसरों
बच्चों के अच्छे मकान और अच्छे वाहनों की ओर, आज तक शायद तुमने संसार की बहुत सारी बातों की ओर मन लगाया है। आज तक मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय परमेश्वर कहता है, शायद तुमने अपना ध्यान अपने पड़ोसी की सफलता की ओर लगाया है। शायद तुम्हारा मन इस समय कड़वाहट से भरा हुआ है, मेरे पड़ोसी के पास इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्यों, उसी के बच्चे इतने अच्छे क्यों, किसी दूसरे की सेवा इतनी अच्छी तरह से क्यों चल रही है, मेरी क्यों नहीं चलती। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, भजन संहिता 37 के अंदर परमेश्वर के भक्त दाऊद ने इस प्रकार से कहा, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और कुटिल मनुष्यों के कारण डाह मत कर, क्योंकि वे झट कट जाएंगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय अपने अपने जीवनों को जांचें। शायद आज तक बहुत बार हमें आशीष इसलिए नहीं मिलती, शायद बहुत वर्षों से बीमारी के बोझ को हम ढो रहे हैं, शायद आज तक दुष्टात्माओं से हम आजाद नहीं हो पाए, शायद आज तक बुरी आदतों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। एक बार आइए इस समय विचार करें, संभवतः ये इसलिए है कि हमारी आंखें आज तक सांसारिक वस्तुओं की ओर हैं। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, हमारी आंखें हो सकता है कि आज स्वर्गीय बातों की ओर ना हो। इस समय सारी वायुमंडलीय कलीसियाओं को मैं संबोधित कर रहा हूँ, इस समय मेरे अति प्रिय श्रोता परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। आइए इस समय इस बात पर विचार करें कि हमारी आंखें आज तक कहां लगी हुई हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, संत पौलुस ने कहा, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाओ। मेरे अति प्रिय श्रोता, मुझे एक घटना याद आती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था और उसका काम था जहाज को उड़ाना। एक बार की बात है, उसने अपने जहाज को उड़ाया और मेरे अति प्रिय श्रोता, एक समय ऐसा आ गया जबकि जहाज में तेल भरने के लिए उसको अपने जहाज को उतारना था। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत लंबी उड़ान भरने के बाद उसने एक हवाई अड्डे से संपर्क किया और वहां उसने उतरने की अनुमति मांगी, क्योंकि उसके वायुयान के अंदर ईंधन खत्म हो रहा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसे अनुमति दे दी गई और उसने उस हवाई अड्डे के अंदर अपने जहाज को उतार लिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, थोड़ी देर के बाद वहां पर तेल भरा जाने लगा। जहाज के अंदर जब तेल भर दिया गया तो उसने थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद फिर आगे की यात्रा की ओर वो रवाना हो गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके जहाज ने उड़ान भरी और उड़ता उड़ता आसमान की ऊंचाइयों तक वो पहुंच गया। जहाज बड़े आराम से उड़ रहा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, सभी यात्री बड़े आराम से बैठे थे और वो आनंदित थे कि बहुत जल्दी उनकी मंजिल आ जाएगी। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, वो व्यक्ति जो जहाज उड़ा रहा था, अचानक उसको किसी गड़बड़ी का एहसास हुआ। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, अचानक उसको लगा विमान के अंदर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। और जब उसने कंप्यूटर के द्वारा विमान के सभी अलग अलग भागों की जांच की तो उसको एक बात का पता चला कि जहां पर विमान का फ्यूज लगा होता है, मेरे अति प्रिय श्रोता, वहां पर कोई ऐसी चीज है जो कि धीरे धीरे उस तार को कुतर रही है। मेरे अति प्रिय श्रोता, और जब उसने जांच की तो इस बात का पता चला, रेगिस्तानी हवाई अड्डे पर जब वो जहाज में ईंधन भरने के लिए उतरा था, उसी समय एक रेगिस्तानी चूहा था जो कि उस जहाज के अंदर घुस आया था और अब वही चूहा अपने दांतों से जहाज के फ्यूज के तारों को कुतर रहा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये जानता था, इस व्यक्ति को एक पायलट होने के नाते मालूम था कि यदि उस चूहे ने उस तार को कुतर दिया तो इसका परिणाम भयंकर होगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने पूरी कोशिश की कि किसी प्रकार से वो स्थिति को नियंत्रण में ले आए, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो चूहा लगातार तारों को कुतर रहा था, मेरे अति प्रिय श्रोता, और ये पायलट बेबस होकर उस चूहे को अपना काम करते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, थोड़ी देर तक के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आया। किसी यात्री को नहीं पता था कि जहाज की स्थिति क्या है, कोई नहीं जानता था कि कितनी बड़ी विपत्ति के अंदर वो फंस गए हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, वो चूहा आराम से उस तार को कुतर रहा था। इस समय ध्यान से सुने, संत पौलुस ने कहा, पृथ्वी की बातों की ओर नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाओ। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ध्यान के साथ सुने, नीचे की बातों की ओर नहीं, छोटी छोटी बातों की ओर नहीं, ओछी बातों की ओर नहीं, लेकिन ऊंची बातों की ओर अपना ध्यान लगाएं। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, तो मैं आपको बता रहा था, वो चूहा तारों को कुतर रहा था, जहाज उड़ता जा रहा था, पायलट बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था और अंत में उसको एक फैसला लेना था। मेरे अति प्रिय श्रोता, आसपास के हवाई अड्डों से उसने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन जहाज बहुत दूर उड़ चुका था और आसपास ऐसा कोई हवाई अड्डा नहीं था जहां पर वो जहाज को आपात स्थिति में उतार पाता। मेरे अति प्रिय श्रोता, और उसको अब एक फैसला करना था। वो मशीन के अंदर नहीं जा सकता था, कोई व्यक्ति उस मशीन के अंदर जा करके उस चूहे को हटा नहीं सकता था, क्योंकि मेरे अति प्रिय श्रोता, ये असंभव था। इस समय क्या उस स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, शायद आपके जीवन की स्थिति भी इस समय इसी प्रकार से है। आत्मिक रूप से आप उड़ान उड़ रहे हैं, प्रार्थना का जीवन आप जीते हैं, हर इतवार को आप कलीसियाओं में जाते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद सारी उन बातों को आप करते हैं जिस प्रकार से कि जहाज उड़ रहा था, और आपको लगता है कि सारी बातें ठीक हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको वास्तव में
परमेश्वर आशीष दे रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई खामी नहीं, लेकिन इस समय अनुग्रह कार्यक्रम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, परमेश्वर के वचन के आधार पर इसी समय अपने जीवन की छानबीन करें। कहीं कोई ऐसी चीज तो आपके जीवन के अंदर नहीं है जो आपके जीवन के उन तारों को, जिसका संबंध हाँ परमेश्वर की आत्मा से है, धीरे धीरे कुतर रही है। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद थोड़ी सी नशे की आदत, शायद थोड़ी सी बुराई करने की आदत, शायद थोड़ी सी अपनी कलीसिया के अंदर फूट डालने की आदत, संभवतः संसार के अंदर अनर्थ से धन कमाने की आदत, ये छोटी छोटी बातें जो इस समय आपको लगती हैं कि कुछ नहीं है, हो सकता है आगे चल के आपके लिए विपत्ति का कारण बन जाएं। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, तो मैं आपको उस पायलट के विषय में बता रहा था। आसपास कोई हवाई अड्डा नहीं था जहां पर वो जहाज को उतार सकता। मेरे अति प्रिय श्रोता, विमान आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था, 33,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर यह विमान उड़ रहा था, और पायलट इस बात को समझ गया था कि यदि कुछ देर और हुई तो जहाज का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित है। मेरे अति प्रिय श्रोता, और तब उसको एक फैसला करना था। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने प्रार्थना की और उसने एक बात का फैसला लिया। हवाई जहाज के मुंह को उसने आसमान की ओर उठाया, हवाई जहाज के मुंह को उसने आसमान की ओर उठाया, और लगातार वो ऊंचाई की ओर उड़ान भरता चला गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, अलग अलग हवाई अड्डों से उसके पास संदेश आ रहे थे कि इतनी ऊंचाई पर तुम्हारे लिए उड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आगे चल के हवा का दबाव कम हो सकता है। हाँ, यात्रियों का दम घुट सकता है क्योंकि ऊपर में ऑक्सीजन नहीं होती। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, अब उस पायलट को अपना फैसला करना था, उसको अपने जहाज को हर हाल में बचाना था, और उसने एक बात का फैसला कर लिया था, जहाज को अब वो ऊंचाई और अधिक ऊंचाई पर उड़ाता चला जाएगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, यात्री भी आश्चर्यचकित थे कि अचानक इसको क्या हुआ, जहाज जिसको समानांतर दिशा में उड़ना चाहिए वो ऊपर की ओर क्यों उठता जा रहा है। और मेरे अति प्रिय श्रोता, एक समय आ गया जबकि वायु का दबाव बिल्कुल कम होने लगा, ऑक्सीजन बिल्कुल कम होने लगी, लोगों को इस बात का अनुभव होने लगा कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने अपने क्रू को आदेश दिया और ऑक्सीजन मास्क गिरा दिए गए। मेरे अति प्रिय श्रोता, हर एक यात्री ने अपनी अपनी नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा लिया और वो सांस लेने लगे, लेकिन पायलट ने लगातार जहाज को ऊंचाई पर उड़ाना जारी रखा। जहाज उड़ता गया और उड़ता गया और अधिक ऊंचाई पर उड़ता गया, और इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया जहां पर ऑक्सीजन हाँ करीब करीब ना के बराबर थी। और मेरे अति प्रिय श्रोता, कुछ देर के बाद उस पायलट ने एक बार फिर से उसी स्क्रीन पर जांच की, और तब उसको पता चला कि वो रेगिस्तानी चूहा ऑक्सीजन के नहीं होने की वजह से मर चुका है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने जहाज को तुरंत नीचे की ओर लाना शुरू किया और सामान्य रूप से उड़कर वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, वो चूहा क्यों मर गया? वो रेगिस्तानी चूहा जो सारे जहाज को गिरा सकता था, जो पूरे जहाज के लिए खतरे का कारण हो सकता था, जिसके कारण शायद सैकड़ों यात्रियों की जाने जाती, उसकी मृत्यु क्यों हुई? इस समय ध्यान के साथ सुने, इसकी वजह ये थी कि बहुत ऊंचाई पर उड़ने के बाद जब ऑक्सीजन की मात्रा घट गई तो इसके कारण उस चूहे की मौत हो गई। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, हमारे आत्मिक जीवन में भी इसी प्रकार से होता है। जब अपने आत्मिक जीवन में अपनी उड़ान को हम नीचे स्तर पर रखते हैं तो इस संसार की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आकर हमारे जीवन के अंदर बाधाएं उत्पन्न करती हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आपके जीवन के जहाज में यदि कोई इस तरह का जंतु घुस जाए, आपके जीवन के जहाज में यदि इस तरह का कोई चूहा घुस जाए, यह व्यभिचार हो सकता है, यह बुरी आदत हो सकती है। मेरे अति प्रिय श्रोता, यह आपके जीवन के अंदर कुछ भी हो सकता है। मैं इस समय अनुग्रह कार्यक्रम के द्वारा आपको एक बात की सलाह देना चाहता हूँ। उस समय मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आपको कहीं उतरने का समय नहीं, लेकिन इस समय संत पौलुस की उस बात को याद करें, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाओ, पृथ्वी की बातों की ओर नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाओ। मेरे अति प्रिय श्रोता, जब ऐसी समस्याओं में आप फंस जाएं, हो सकता है आज की शाम आपकी स्थिति ऐसी है, आप में से कई भाई और बहन हमको पत्र लिख करके बताते हैं, भाई हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर कई ऐसी छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम आज तक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। हाय, एक समय था जबकि मैं परमेश्वर का सेवक था, जबकि मेरी बातों के अंदर हाँ शेर की सी गर्जना थी, मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे सामर्थ्य के काम हुआ करते थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत सारे सेवक हमें इस प्रकार से लिखते हैं, भाई मेरे लिए प्रार्थना करें क्योंकि मैं अपना अभिषेक खो चुका हूँ। इस समय मैं विशेष करके उन सभी लोगों से बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। वायुमंडलीय कलीसियाओं के अगुओं से मैं इस समय बातचीत कर रहा हूँ। इस समय ध्यान से सुने मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को विनाश की ओर लेकर के जा रही हैं, लेकिन इस समय ध्यान से सुने, जब आपके जीवन में इस प्रकार की कोई घटना हो जाए, उस समय सांसारिक बातों की ओर नहीं, मनुष्य के परामर्श की ओर नहीं, उस समय मनुष्यों के विचारों की ओर नहीं, लेकिन उस समय
स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाएं, अपने जीवन की उड़ान को और अधिक ऊंचाई पर ले जाएं, और अधिक प्रार्थना का जीवन जिएं, और अधिक वचन पढ़ने का जीवन जिएं। आपके जीवन के द्वारा बहुतायत के साथ उसके नाम की महिमा होने पाए। हो सकता है यदि अपने जीवन के अंदर सिर्फ आप दिन में एक या दो बार प्रार्थना करते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय बढ़ा दें और आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देगा। जितनी ऊंचाइयों पर आप उड़ते जाएंगे, सांसारिक वस्तुएं उसी प्रकार से नाश होती जाएंगी। मेरे अति प्रिय श्रोता, आपको इस समय मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। इस समय संसार की नीची ऊंचाइयों की ओर नहीं, लेकिन ऊंची स्वर्गीय बातों की इस समय चिंता करें। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय आज की शाम जबकि आप अनुग्रह कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपने अपने जीवन पर इस समय विचार करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं इस समय आपको एक बार फिर से उसी दृश्य की ओर लेकर के जाना चाहता हूँ। जहाज रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा था। सच्चाई ये है, वो ईंधन लेने के लिए एक हवाई अड्डे पर उतरा था, लेकिन उसी हवाई अड्डे के अंदर एक चूहा उस जहाज के अंदर घुस गया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद बहुत बार हम कहीं जा करके ठहरते हैं, बहुत बार शायद कुकर्मियों की मंडली में जा करके हम बैठ जाते हैं, बहुत बार शायद बुराई करने वालों की मंडलियों में जा करके हम बैठ जाते हैं, बहुत बार अपने उन मित्रों की संगति में हम बैठ जाते हैं जो कि शायद, मेरे अति प्रिय श्रोता, हो सकता है जो कि शराबी हैं, हो सकता है जो कि अपराधी हैं। और उसके बाद जब अपने जीवन की यात्रा को हम आगे आरंभ करते हैं तो हमें भी महसूस होता है कि हमारे जीवन के जहाज के अंदर अब वो बात नहीं रही। कई ऐसी चीजें हमारे जीवन के अंदर घुस गई हैं जो कि शायद हमारे जीवन के जहाज को गिरा देंगी। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने। हाँ, जहाज उस रेगिस्तान में उतरा था और उसी रेगिस्तान का चूहा, एक रेगिस्तानी चूहा उस जहाज के अंदर घुस गया था। इस समय ध्यान दें, आप कहाँ पर उतरते हैं, आप कहाँ पर अपने पाँव को टिकाते हैं, आप किनके घरों में जाते हैं, आप किनके संगतियों में बैठते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उस जहाज ने उड़ान भरी और अंत में पायलट ने इस बात को महसूस किया, अब वो वापस वहाँ नहीं जा सकता। शायद आपको भी ऐसा लगता है, अब आप वापस नहीं आ सकते, अनंत ऊंचाइयाँ सामने हैं, और इस समय शायद आपको ऐसा लगता है आपके जीवन का जहाज इस समय डगमगा रहा है। ओ, इस समय मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अपने जीवन की उड़ान को और अधिक ऊंचाई तक ले जाएं। विश्वास करें, जैसे जैसे हम आत्मिक ऊंचाइयों पर उड़ते जाते हैं, मेरे अति प्रिय श्रोता, सांसारिक वस्तुएं नाश होती जाती हैं। इस समय परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आइए अपने अपने मनों को तैयार करें, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय हाँ उस महान परमेश्वर से महान आशीषों की आशा करें। विश्वास करें, जब आप ऊंचाइयों पर जाएंगे, इस प्रकार के संकट आपके जीवन में से बाहर निकल जाएंगे और आप सुरक्षित अपनी भूमि पर उतरने पाएंगे। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए इस समय अपने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। इस समय परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय सारी वायुमंडलीय कलीसियाओं को मैं परमेश्वर के सामर्थी नाम पर आशीष देता हूँ और इस समय कहता हूँ, छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें, लेकिन आत्मिक रूप से ऊंचाइयों पर उड़ते जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो दिनों दिन बल पाते हैं, वो रेंगते नहीं लेकिन वो उकाबों की नहीं उड़ते हैं, वे दौड़ते हैं लेकिन वो थकित नहीं होते। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय ध्यान दें, हमारी आंखें कहां पर लगी हैं? हाँ, पौलुस ने कहा स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाओ। आइए इस समय पश्चाताप करके गिड़गिड़ा उठें। हाँ प्यारे परमेश्वर, ये सच है, आज तक हाँ शायद किसी दूसरी स्त्री की सुंदरता के कारण मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। आज तक दूसरों की सफलता को देखकर लगातार कुड़ते रहने के कारण मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। ये वो चूहा है जो मेरे जीवन के तारों को कुतर रहा है और अब मुझको ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा, लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर, इस समय मुझको बहुतायत के साथ संभालें, इस समय मुझको आशीष दें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय जब मैं इस गीत को आपके लिए गाता हूँ, अपने अपने हाथों को इस समय स्वर्ग की ओर उठाएं और आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देगा। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय हम एक साथ कहेंगे, अपने जीवन के टूटे हुए तारों के साथ, हाँ अपने जीवन की सभी पराजय के साथ, अपनी सारी बीमारियों के साथ, अपनी असफलताओं के साथ, मेरा जीवन इस समय उसी जहाज के समान है जिसके अंदर वो चूहा घुस गया था और जो कि गिरने की स्थिति में था, लेकिन प्यारे खुदाबंद, इस समय मैं स्वर्गीय बातों की ओर, मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों की ओर इस समय अपने ध्यान को लगाता हूँ। इस समय अपने हाथों को उठा करके कहता हूँ, अपने टूटे हुए जहाज के साथ, अपनी टूटी हुई सेवा के साथ, अपनी उस सेवा के साथ जिसमें झगड़ों के चूहे घुस गए हैं, इस समय मैं तेरे पास आता हूँ और मैं इस समय कहता हूँ, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से,
जो बहता क्रूस से खास। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, इस समय आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर मैं आपके धन्य सिंहासन के सामने आता हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस समय अपने एक एक श्रोता भाई और बहन जिनका जीवन प्यारे प्रभु जी अंधकार के कारण टूटा हुआ है, जिनका जीवन प्यारे प्रभु जी शायद पाप के अंधकार के कारण इस समय बिना किसी उपाय के प्यारे प्रभु जी यूं ही पड़ा हुआ है, हाँ प्यारे खुदाबंद, इस समय अपने एक एक श्रोता भाई और बहन के जीवन के साथ जिनके जीवन के अंदर शायद छोटे छोटे पाप, शायद किसी प्रकार की ग्लानी, शायद किसी प्रकार की बुरी आदत जबकि इनके जीवन के अंदर काम करती है, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर शायद इनका जीवन उसी जहाज के समान है जिस जहाज के अंदर अचानक वो संकट आ गया था, मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। और खुदावंद इस समय प्रार्थना करता हूँ, आज हम नीची उड़ान उड़ना नहीं चाहते, लेकिन खुदावंद आज हम चाहते हैं पृथ्वी की बातों की ओर नहीं लेकिन इस समय स्वर्गीय बातों की ओर अपने ध्यान को लगाएं। इस समय प्रार्थना करता हूँ अपने आकाश मंडल को इस समय खोल दें। और प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ सब प्रकार की बुरी आदतें, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं, सब प्रकार की बुरी बुरी बीमारियां, सब प्रकार का राज यक्ष्मा, सब प्रकार के कैंसर के फोड़े, सब प्रकार की अस्थि संबंधी बीमारियां, सब प्रकार की लहू संबंधी बीमारियां, सब प्रकार के मुंह और गलों का संक्रमण, प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ सब प्रकार के ट्यूमर, प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ सब प्रकार का रक्तचाप, मेरे प्यारे खुदावंद इस समय प्रार्थना करता हूँ सब प्रकार के जोड़ों का दर्द और सब प्रकार की प्यारे प्रभु जी अंधकार को लाने वाली शक्तियाँ इसी समय आपके सामर्थी नाम में इनके जीवनों में से बाहर निकलने पाए। श्रोताओं इस समय अपने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। अंत में जब इस गीत को हम गाते हैं आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देने जा रहा है, ऊंचाइयों की ओर जाएं और अधिक ऊंचाइयों की ओर जाएं और विश्वास करें एक समय आएगा जबकि परमेश्वर इन सारी वस्तुओं को आपके जीवन से अलग कर देगा। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का महान अभिषेक इस समय एक एक श्रोता के जीवन पर उतर आए, एक एक जन को छुए प्यारे खुदावंद, अपनी स्वर्गीय बातों की ओर इनको लेकर के जाएं। इस समय जब इस गीत को हम गाते हैं प्यारे खुदावंद आपका अभिषेक इनमें से एक एक के ऊपर बहुतायत के साथ उतर आए। हालेलुया, 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 आमीन। मेरे प्यारे खुदावंद आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना है। हर एक को बहुत आयत के साथ आशीष दें ताकि आज से ये पृथ्वी की ओर नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाएं। यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूँ, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। और एक बार फिर से आमीन। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे परमेश्वर का सामर्थी वचन अपने भाई के द्वारा। हमें न केवल आशा वरन निश्चय है कि परमेश्वर ने आज के अनुग्रह कार्यक्रम द्वारा आपसे बात की व अपनी आशीष दी है। श्रोताओं यदि आप इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें। हम पत्रों व प्रार्थनाओं द्वारा आपकी हर संभव सहायता करेंगे। यदि आप कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पत्र लिखना ना भूलें। हमारा पता नोट कर लीजिए, अमेजिंग ग्रेस 104 विराट भवन, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली 110009। डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं।
फिक्रों के दलदल में धंसते हैं जब पांव अपने भी भूल जाते कोई समझता नहीं अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं नहीं कभी नहीं नहीं कभी नहीं जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं अपने गुनाहों की कीच में गिरते हो बार बार ऐसा जब लगता है हाथ को थामेगा कोई नहीं उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं नहीं कभी नहीं नहीं कभी नहीं जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं पर तुम्हारे दुखों को मैंने उठाया है कलवरी पर मैंने अपना लहू बहाया है ऐसा जब लगता कि कोई भी साथ खड़ा नहीं उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं नहीं कभी नहीं नहीं कभी नहीं जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं नहीं कभी नहीं